ओलगी जोहार। आज हम लोग ग्रुप अल्फाबेट्स के बारे में एक लेसन करेंगे। जैसे कि अलग अलग भाषाओं का अपना ही एक अल्फाबेट्स होता है, अपना ही लिपि होता है, वैसे ही कुड़ूख का भी एक अपना ही लिपि है, अपना ही अल्फाबेट है। कुड़ूख का लिपि तोलोंग सिकी है और यहाँ पे जो मैंने अल्फाबेट्स लिखा है वो तोलोंग सिकी में मैंने लिखा हुआ है और इसको समझने के लिए मैंने उसके साथ हिंदी अल्फाबेट्स को भी मैंने लिखा हुआ है। तो आज हम लोग यही अल्फाबेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ई ए ऊ ओ अ आ क ख ग घ अंग च छ ज झ य त ठ ड ढ अन त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व य स ह ख ड अढ़ा। तो आपने इसमें एक चीज नोटिस किया होगा कि हम लोग का कुड़ूख में केवल एक ही स आया है। कुड़ूख में एक्चुअली हम लोग का केवल एक ही स का प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में हम लोग का तीन स है, लेकिन हम लोग कुड़ूख में नॉर्मल एक ही स का उच्चारण करते हैं, लेकिन कुड़ूख में दो ख का हम लोग उच्चारण करते हैं। एक नॉर्मल ख जो हम लोग अक्सर हिंदी में यूज करते हैं और एक है ख जो हम लोग ज्यादातर कुड़ूख भाषा में आपको ये प्रोनाउंसिएशन जो है ख का वो देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं अगर एक वर्ड बोलूँ माखा, उसमें हम लोग का ये ख का यूज किया गया है। तो ये हम लोग का कुड़ूख अल्फाबेट्स है, उसके साथ मैंने हिंदी अल्फाबेट्स को भी लिखा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अब मैं कोई एक ऐसे नाम ले लेता हूँ जिसको मैं कुड़ूख में लिख के आपको बताऊंगा कि हम लोग कुड़ूख में उस नाम को कैसे लिख सकते हैं और आप भी अपना नाम को लिख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मैंने एक नाम लिया अलोक। मैं अब इस नाम को कुड़ूख अल्फाबेट्स में लिख के बताऊंगा कि ये किस प्रकार से लिखा जाता है कुड़ूख में। तो अलोक को हम लोग कुड़ूख में लिखेंगे छोटा अ ल ओ का। तो ये हो गया अलोक कुड़ूख में। मैंने इंग्लिश में लिखा है और ए एल ओ के अलोक, और कुड़ूख में हम लोग यही अलोक को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। अब अपना नाम को ट्राई कीजिए, अपने घर वालों का नाम को ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों के नाम को ट्राई कीजिए, उन लोगों को सरप्राइज कीजिए, है ना। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सीखते रहिए, लिखते रहिए, बोलते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर।